please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. रियल एस्टेट सेक्टर में उतार चढ़ाव का दौर देखना एक आम बात है, मगर जितना घाटा रियल एस्टेट को साल 2017 में हुआ, शायद ही पहले कभी प्रॉपर्टी बाजार ने इतनी दयनीय स्थिति देखी हो। अगर बाजार की बात करें तो मई में आए रेरा कानून ने रियल एस्टेट की कमर तोड़ दी। इस क्षेत्र की भलाई के लिए लाए गए इस कानून से बिल्डर भागते ही दिखे। वहीं 1 जुलाई से लागू हुए जीएसटी की मार से रियल एस्टेट सेक्टर अब तक नहीं उबर पाया है। पता नहीं रेरा क्या है और बिल्डर उसमें ब्रोकर को फंसा दे या क्लाइंट फंसा दे, अगला तो बेचारा फंस गया जो काम कर रहा है, यानी तो उसके लिए दूसरे रोजगार की आप तलाश करो। एक तो एडवांटेज दीजिए हमें, जो ब्रोकर्स की प्लेन एंड सिंपल डिमांड है, व्हाट आर यू गिविंग अगेंस्ट द रेरा। 1 मई को जब रेरा कानून लागू किया गया था, तब सरकार की तरफ से ये बात कही गई थी कि रियल एस्टेट में कानून और नियम का पालन करने के लिए लाया गया है। और वहीं जब 1 जुलाई को जीएसटी लागू किया गया, तब ये बात कही गई कि इससे लोगों का भला होगा, मगर निवेशक आज भी सड़क पर है और बिल्डर आज भी धोखाधड़ी कर रहा है। तो ये कानून किस काम के हैं, ये एक बड़ा सवाल है। एक बात जो 2017 को ब्लैक ईयर फॉर रियल एस्टेट घोषित करने के लिए मजबूर करती है, वो है निवेशकों की स्थिति। बड़े बड़े ग्रुप, चाहे जेपी हो या आम्रपाली, सबके खरीदार अपने ही घरों की भीख मांगते हुए आत्महत्या करने की स्थिति तक पहुंच गए। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे फ्लैट हमें मिलने चाहिए, टाइमली मिलने चाहिए, विद कंपनसेशन मिलने चाहिए, और इसके फ्रॉड खुलने चाहिए, इसके फॉरेंसिक ऑडिट होने चाहिए, इसने पता नहीं क्या जिल और जैल का एक जंजाल सा बना दिया, उसके अंदर से पैसे कहां से कहां ले गया, हम लोगों से इसने 20,000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, बैंकों से लोन लिया, कहां गए ये पैसे। हम अभी डिक्लेयर करते हैं, हम सारे यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, हम बैठे बस, और आपको भी नहीं जाने देंगे तब तक आप मनोज गोयल को यहाँ पर नहीं जवाओगे। हमारा ये है, हमारे ये कि अगर पूर्ण बहुमत से हम सत्ता बना सकते हैं तो पूर्ण बहुमत से गिरा भी सकते हैं हम लोग। ये ना चले कि आज पूरी लहर चल रही है, आज हमारी मेहनत का पैसा लगा हुआ है यहाँ पर, और उस मेहनत के पैसे को खाया जा रहा है बिल्डर के थ्रू। और टैक्स लेते हुए जेटली जी को नहीं लगता कि हमें टैक्स देना चाहिए, लेकिन घर लेते हुए बोलते हैं कि हमें इन्हें घर मिलना चाहिए, हमें हमदर्दी नहीं चाहिए, हमें अपना घर चाहिए। नोएडा में जहाँ निवेशक आमरण धरने पर बैठ गए, तो वहीं अन्य निवेशक सरकार और बिल्डर के दरवाजे पर जाकर अपने ही घरों की गुहार लगाते रहे। कहते हैं ये उद्योगपतियों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, मगर किसने सोचा था बड़े बड़े उद्यमी और बड़े बड़े बिल्डर के भी बुरे दिन आ जाएंगे। सपने भले अच्छे दिनों के दिखाए गए, मगर आज बिल्डर और निवेशक दोनों अपने हाशिए पर हैं। कैमरा पर्सन हर्षित चौधरी के साथ उत्कर्ष अवस्थी, रियल्टी मीडिया।